की सरकार को, हम सभी जन सहयोग दीदी को, आंगनबाड़ी दीदी को है, और मैं यहाँ झारखंड सरकार को यह कहना चाहती हूँ। झारखंड अराजपत्रित महासंघ के आह्वान पर आज राजधानी रांची के राजभवन के सामने जो है एक विशाल जन समूह देखा गया, जहां पर जो है जल सहिया सेविका सहायिकाओं का जो है भारी संख्या में यहां पर भीड़ देखी गई। और भीड़ ने अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंची थी, और जो यहां पर बताने के लिए काफ़ी था कि ये जो बड़ी संख्या में जो भीड़ यहाँ पर जुटी वो कहीं ना कहीं सरकार से वो नाखुश दिखी। हालांकि जो है अपनी मांग करते हुए कहा है कि हमारी मांगें जायज़ है और इस जायज़ मांगों को जो है सरकार पूरी करे। तो क्या कुछ कह रहे हैं संघ के लोग, आइए सुनाते हैं। देखिए, आज हम लोग इस जगह पर धरना के एक दिवसीय धरना के लिए उपस्थित हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के जी के द्वारा कैबिनेट में जलसहिया का बकाया मानदेय और जो है सो मोबाइल साड़ी पोशाक, ये दोनों कैबिनेट से पास हो गया। उन्होंने अपने मुख से बोले कि मैं जलसहिया बहनों को मैंने दिवाली का एक तोहफा देने जा रहा हूँ जो सभी बहनों को मिल जाएगा। अब ऐसा हुआ कि आज उनके बोलने पर दिवाली पार हो गया, दुर्गा पूजा चला गया, छठ भी चला गया, लेकिन आज तक वो पैसा कहाँ गया ये हम लोग को पता नहीं है। इसकी जानकारी लेने के लिए इनके पास हम लोग आए थे। दूसरी बात है कि सरकार उनकी बनने से पहले हम लोगों से बात हुई थी कि जलसहिया को मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को जो रघुवर ने 1,000 रुपया दिया है, ये विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन क्यों दिया है? हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं न्यूनतम मजदूरी आप लोगों को 13,084 रुपया दूंगा। दूसरी बात है कि उनकी ये बातों पर हम लोगों को विश्वास हो गया। सभी लोगों ने मिलकर 56 संगठनों ने मिलकर उनको वोट देकर के राजगद्दी पर बैठाया गया। दुर्भाग्य है जलसहिया बहनों का कि उन्होंने जो 1,000 रुपया रघुवर जी ने विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन दे भी रहे थे वो भी अपना कटौती कर दिए और जलसहिया बहनों को बीच रास्ता में खड़ा कर दिए। हम लोग का मुख्य मांग है कि मैं अपने जो हूँ अपने वेतन के लिए यहाँ पर हम लोग सारे विभाग की कर्मचारी लोग आए हुए हैं, हम लोग को पेमेंट नहीं दिया जाता है। काम तो करवाया जाता है, पेमेंट नहीं दिया जाता है, सबसे पहला समस्या। दूसरा, हम लोग अपने मोबाइल से, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, फिर भी मोबाइल से करके अपना काम देते हैं ऑनलाइन। ड्रेस नहीं दिया जाता है, और सबसे कि हमारी बहुत सारी जलसहिया जो हैं विभाग जिला राज्य का चक्कर काट काट के अपना दम तोड़ चुकी हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता है। बताइए, उनके घर में बच्चे हैं कि नहीं, ये इनका जवाब कौन देगा? दूसरी बात कि मैं एक खुद विधवा महिला हूँ, हमारे बच्चे हैं घर में, मैं डीएलएड करके आज रोड पे बैठने पर मजबूर हूँ। हमारी सरकार जो है वेतन नहीं दे रही है, मैं अपने घर को कैसे चलाऊँ? हमारे बच्चे घर में भूखे हैं, कैसे हैं नहीं है, मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ तक आई हूँ, अपना अधिकार अपना हक लेने के लिए आई हूँ। हम लोग को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए बस, और हम जो काम कर रहे हैं तो अपना काम कर ही रहे हैं। हम लोग को 10 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए। आप लोग का केंद्र सरकार से मांग है या राज्य सरकार? हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे रही है कि केंद्र सरकार दे रही है तो सरकार को खुद ही पता है। विभाग भी हम लोग को काम नहीं देती है। दूसरी बात, मुखिया को झूठ मूठ को हम लोग बदनाम करते हैं, लेकिन मुखिया जी ऐसा नहीं है। मुखिया जी सारा ओटीपी ये है वो है सब कुछ करके दे देते हैं, लेकिन विभाग हम लोग को नहीं देती है। कार्य भी करते हैं तो उसका प्रोत्साहन राशि भी नहीं देती है। हम लोग को तो इतना परेशानी हो रहा है जो कि कहने का लायक नहीं है। अपना हम लोग दुखड़ा कितना सुना, सुनाने यदि हम लोग बैठ जाएंगे रोड पर ना तो भी माने कि पूरा दिन भर में भी ख़त्म नहीं हो गया। हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, जैसे हम लोग को चुनाव से पहले जितना आराम तरीके से हम लोग को बुला के आश्वासन दिए थे कि जो 1,000 रुपया रघुवर दास जी जो दे रहे हैं ये विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन है, हमारी सरकार जब होगी हम न्यूनतम मजदूरी देंगे, लेकिन यहाँ तो इतना माने कि जो 1,000 रुपया हम लोग को ये मिलता था विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, इसको हटा के अभी के सरकार हेमंत जी प्रोत्साहन पर ला के खड़ा कर दिए। क्या आपके बीबी बच्चा 200-250 रुपया में आपका एक महीना का पूरा परिवार चला लेते हैं? आज जैसे हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपना भी परिवार अपना बीबी को भी ला के यही जगह पर खड़ा कर दीजिए, देखते हैं कि आपकी बीबी क्या 250-200 में अपना परिवार को चला लेती है।
क्या अपना बच्चा को पढ़ाएगी या अपना घर चलाएगी या तो क्या करेगी? आप लोग मांग लेके यहाँ पर आए? मांग आए हुए हैं कि हम लोग का जो पैसा मिलता है मानदेय, राज्य सरकार 5,000 देती है, केंद्रांश 4,500, पर केंद्रांश तो कान में तेल देके सोई हुए हैं। एक गरीब मजदूर जब काम करता है तो उसको कहता है कि नहीं, सुबह काम करता है तो शाम में पैसा मांगता है, तो क्या हम लोग का पेट नहीं है कि महीना से 8 महीना से हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है और ना ही पैसा बढ़ाया जा रहा है? उस करोना काल में हम लोग जो कि अपना पति से लोग डरता था कि बीमारी होने से लाठी से देता था खाने के लिए, फिर भी हम लोग सारे आदमी को इंजेक्शन दिलवाए, पर उसका तो मानदेय हम लोग को कुछ दिया ही नहीं। न्यूनतम मजदूरी भी तो देना चाहिए, इसीलिए हम लोग का कहना है कि सरकारी करे, हम लोग का पैसा बढ़ाए। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को हेमंत सरकार जब सरकार में नहीं थे उस टाइम बोले थे कि आप हमको सरकार बनाइए, आप लोग को हम सरकारीकरण कर दिए देंगे, पर जब सरकार बन गए तो कान में तेल जगह सो गए, पर हम लोग का कुछ सुनते ही नहीं है। हाँ, वादा किए थे हेमंत सोरेन जी, वादा किए थे कि हमको सरकार बनाइए, हम आप लोग को एकदम सरकारीकरण कर देंगे, ये वादा तो तोड़ दिया उन्होंने। जब 2024 में फिर चुनाव हुआ होगा तो 2024 में फिर हारेंगे अगर हम लोग को सरकार नहीं बनाएंगे, नौकरी देंगे सरकारी, जैसे हम लोग का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, सरकारीकरण नहीं करेंगे तो फिर हेमंत सोरेन सरकार फिर नहीं बन सकते। आज हम लोग का जो यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है, ये मैं सेविका सहायिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीता बिरुआ चाईबासा से हूँ, और हमारा जो मांग है हम लोग को सरकार से नियमावली बनी थी, मानदेय सरकार बढ़ाई, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं और विश्वास है कि हम लोग का जिस तरह का नियम बनाए, नियम को लागू किया, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि नियमावली में हम लोग बात को रखे थे कि सेविका सहायिका को प्रोन्नति होनी चाहिए, सेविका सहायिका का प्रोन्नति कम से कम 50% होना चाहिए, लेकिन 50% ना करके 25% नहीं है, और उसमें नियमावली ये रखा गया कि सेविका सहायिका का उम्र सीमा तय कर दिया, पहले था 40 वर्ष, एसटी एससी के लिए 45 वर्ष था, उसको घटा करके 40 वर्ष कर दिया, और जनरल का था 35 वर्ष, उसको घटा करके 30 वर्ष कर दिया। तो जो भी मेरी सेविका बहन है आज की डेट में इतना पढ़ाई की है और उनको भी इच्छा है कि प्रोन्नति में हम कम से कम परीक्षा में बैठे, लेकिन सरकार जिस तरह का नियम नीति बनाई है उसे ये लगता है नियम तो बना दी है प्रोन्नति के लिए, लेकिन हमारी सेविका सहायिका बहन इसमें मतलब क्या बोलते हैं नहीं आ पाएगी। जिस तरह का नियम नीति लगाया है, उम्र सीमा बांध दिया है, उसमें मेरी सारी सेविका सहायिका छट जाएगी, और उसके बाद में एक सब्जेक्ट भी दे दिया है कि कम से कम प्रोन्नति में जो सुपरवाइजर का है पद है उसके लिए कुछ विषय भी दे दिए हैं, जबकि मेरी सेविका सहायिका बहन कम से कम 10-15 साल अनुभवी है। इस झारखंड के कोने कोने से, गांवों कस्बों गरीबों से माध्यम से झारखंड की बेटियां और बेटे जो मजदूरी करते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वह सरकार को पैगाम देने के आए हैं कि भाई हमारी आवाज़ सुनो। 4 महीना पहले से इसकी सूचना सरकार को है, लेकिन दुर्भाग्य है यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बाहर निकली है, ऐसी व्यवस्था है। हम आपको कहना, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, झारखंड में हम लोगों ने इस सरकार को लाया है, इस सरकार आने के पहले हम लोगों को बुलाया था और बात किया था और वादा किया था कि ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन दुर्भाग्य। हम आपको यह भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि झारखंड सरकार में पूर्व के मंत्री रघुवर दास ने लाठी चार्ज किया था, जिसका नतीजा हुआ कि तमाम कर्मचारी मिलकर उनको हटा दिया। आज परिस्थिति यह है, गांवों में भी कस्बों में गरीब लोग भी यह कहना शुरू किया है कि इससे अच्छा तो वह सरकार हलाओ, यह कहती है गाँव में। देखिए उसके साथ में क्या था, लोकायुक्त था, सूचना आयोग था, मानवाधिकार आयोग था, 181 था, गरीब आदमी भी, गरीब महिला भी कोई शिकायत होती थी जाके शिकायत करता था, बोला हम जाइए कहबाओ 181 में फोन करबो, सुनता था, नियम उनको न्याय मिलता था। कहीं कुछ है क्या? आप रांची में रहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं झारखंड में न्याय देने की कोई व्यवस्था है क्या? कहीं गरीबों को न्याय? इसके राज में अफसर कुछ सुनता ही नहीं है, पता नहीं आप झारखंड मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी लिखिए, लेकिन कुछ नहीं, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ वह भेज देगा, उसको कौन सुनता है? जिस पदाधिकारी के खिलाफ
झारखंड की जनता, झारखंड के मजदूर कर्मचारी लिखता है वह वहीं रह जाता है, कौन सुनता है। तो सुना आपने कि किस तरह से संघ के लोगों का कहना है, किस तरह से महिलाओं का कहना है यहाँ पर आई हुई महिलाएं, और उन्होंने साफ तौर पर जो है अपना जो दर्द जो है बयां किया है गाना गाकर भी, ये भी सुनने लायक था। हालांकि जिस तरह से आज राजधानी रांची के राजभवन के सामने एक जनसमूह जो जुटा और जन सैलाब उमड़ा, ये बताने के लिए काफ़ी था कि इनकी मांगे जो है कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उस मांगों को पूरी करने के समर्थन में जो है आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज यहाँ महाजुटान देखा गया। हालांकि इन्होंने एक चेतावनी भरे लफ्जे में ये कहा है कि आने वाले दिन यानी 2024 में अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो रघुवर सरकार जैसा हाल कर देंगे, यानी एक बड़ी चेतावनी भी इन्होंने दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके इस तरह के प्रदर्शन से आने वाले दिन में क्या कुछ अंजाम निकल कर सामने आता है। तो इस तरह के तमाम खबरों से आप बने रहिए और देखते रहिए दर्शनीच रांची से। मैं मोहन कुमार।